हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 11वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियोज़ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके द्वारा हमारी वीडियो पर किया गया लाइक, कमेंट और शेयर हमें दूसरी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में वैयक्तिक कारक है, यानी जो इंडिविजुअल कौन सा जो कारक होता है जो कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक होता है। पहला ऑप्शन है भिन्न प्रकार के वस्त्र, दूसरा है शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, तीसरा है आपके सामने ऑप्शन शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, फोर्थ है शिक्षक की जोरदार आवाज। तो जो शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास होगा तो वह व्यक्ति जो शिक्षार्थी हैं उनको एकाग्र करने में वैयक्तिक कारण या सहायक होगा। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है, यानी आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको बताना है इन सभी व्यवहारों में से जो निर्धारण करने के संदर्भ में है वह कौन सा व्यवहार उत्तम है। पहला प्रश्न है आपके सामने, बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उसमें कुछ अधिक प्रभावी होते हैं, यानी बालक के सामने बहुत सारे प्रेरक हों तो उसमें से कुछ ना कुछ उसके प्रभावी होंगे। दूसरा है प्रत्येक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक प्रयास करता है। तीसरा ऑप्शन है जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने उपरोक्त सभी, तो इसमें आपका जो व्यवहार निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे जो उत्तम व्यवहार है वो आपको चुनना है, तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू का पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, डैश नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने किया था, यानी आपके किस मनोवैज्ञानिक द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांतों का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया, तो आपके सामने पहला ऑप्शन है कॉलबर्ग ने, दूसरा ऑप्शन है प्याजे, तीसरा है एरिक्सन, फोर्थ है आपका स्नर। तो जो कॉलबर्ग हैं उनके द्वारा नैतिक विकास की सिद्धांत दिया गया था, इसके अंतर्गत उन्होंने तीन अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए, पहला ऑप्शन है पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, सभी को समान रूप से, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सभी प्रकार के बच्चों को एक शिक्षक को समान महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बाल केंद्र शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है, पहला ऑप्शन है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है, दूसरा शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक और गुणयुक्त है, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, फोर्थ है आपका शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो जो बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत आप समर्थक के तौर पर हमसे पूछेंगे तो आपका आंसर होगा कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को कहां तक उसको उसके व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है, यानी पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही उत्तर होगा। बालक के समाजीकरण के में अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता है, यानी जो बालक का समाजीकरण होता है उसमें से इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता है, पहला ऑप्शन है वह शिक्षा के द्वारा बच्चे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज एवं संस्कृति में मान्य होते हैं, दूसरा है समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक बालक के माता पिता से दूर रखता है, तो यह आपका ऑप्शन गलत होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया में माता पिता से दूर रखने का कोई अर्थ ही नहीं होता,
क्योंकि समाजीकरण की क्रिया जो प्रक्रिया जो होती है उसमें माता पिता भी एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा ही सही होगा। इसमें पूछा गया था बालक के समाजीकरण की मैं अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता है, यानी बच्चे से माता पिता को दूर रखना यह आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा का अपनी सहेलियों में वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है, आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? नेक्स्ट है, मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, मीरा की माँ विद्यालय की प्राचार्य हैं, मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। तो इसमें जो मीरा की सहेलियां हैं व्यक्तिगत समायोजन में सबसे श्रेष्ठ है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो मीरा की भाषा है यानी बोलचाल जो है उसका बहुत ही आकर्षक है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं से बताना है कि कौन सा जो आपके सामने विकल्प है वह लैंगिक प्रभावों को कम करने में उपयुक्त नहीं है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करनी चाहिए। छात्र छात्राओं को 2 उपवर्गों में या वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के लिए अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। तो जो लैंगिक भेदभाव है यानी जो प्रभाव है उनको कम करने के लिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा या बाल केंद्र जो शिक्षा होती है वह आपकी सभी छात्र छात्राओं को सभी को एक जगह शिक्षा देने के लिए प्रेरित करती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? पहला ऑप्शन है मन, दूसरा है स्किनर, क्रू और टाइलर। तो आपका ऑप्शन पहला इसमें सही होगा, मन के द्वारा वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वह आंकलन जो विद्यालय परिषदों के शिक्षा दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? आपको बताना है विद्यालय आधारित आंकलन, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा है आपका अवलोकन, फोर्थ है आपका व्यापक आंकलन। यानी जो विद्यालय परिषद होते हैं यानी विद्यालय होते हैं उनके आधार पर तो होता है लेकिन वह बोर्ड के स्तर का नहीं होता, तो यह आपका विद्यालय आधारित आकलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? पहला है अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, दूसरा ऑप्शन है स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, तीसरा है शिक्षार्थी का भाषण कौशल, फोर्थ है आपके सामने समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करना। तो आपसे पूछा गया था कि जो निबंधात्मक प्रश्नों का निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है, तो जो शिक्षार्थियों की जो भाषण कौशल यानी जो बोलते हैं उसकी उस कौशल का इसके द्वारा कोई आकलन नहीं किया जा सकता, तो इसमें आपका क्षमता का आकलन संभव नहीं है, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन थर्ड इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रसार के लिए प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है आपके सामने, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का उत्पाद करना, विद्यालय में बालकों के समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। तो आपके तीनों ही पॉइंट सही हैं। इसमें आप अगर अनुसूचित जाति के बालकों को शिक्षा या उनमें शिक्षा का प्रसार प्रसार करना चाहते हैं तो आप उनके लिए विद्यालय पृथक से भी खोल सकते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है क्योंकि हम उसे विशेष प्रकार के प्रोत्साहन देकर या उनके लिए विशेष प्रोत्साहनों का सूत्रपात करके भी हम उन्हें शिक्षा के अंतर्गत दायरे में ला सकते हैं, और तीसरा है विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है जो द्रव्य श्रव्य सामग्री होती है
दृश्य शब्द सामग्री, तो उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचि को उत्तेजित करती हैं, तो आपको असत्य बताना है और आपका पहला पॉइंट सही है यानी सत्य है। दूसरा है इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहीं हद तक सही नहीं है। तीसरा ये सामग्रियां मंद बुद्धि शिक्षार्थियों को अधिक सुलभ बनाती हैं। तीसरा सही है बिल्कुल, इन सामग्रियों को प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। यह भी आपका सही है, शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से आपके जो शिक्षण कार्य होता है उसमें सरलता आ जाती है। तो आप पास में ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा, सॉरी दूसरा सही उत्तर होगा, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है? यानी आपके सामने चार विशेषताएं दे रखी हैं, उनमें से आपको छांटना है कि इनमें से कौन सी विशेषता पिछड़े बालकों की नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि। दूसरा है पिछड़ेपन के कारण शारीरिक मानसिक या परवेश जनित। तीसरा है इनका मस्तिष्क और बुद्धि का विकास कम है। फोर्थ है विशेष स्कूल एवं कक्षाओं की व्यवस्था, तो इसके अंतर्गत आपका थर्ड ऑप्शन इनके मस्तिष्क और बुद्धि का विकास कम है, इसकी बच्चों के पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में सोचने कि योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपके सामने पियाजे ने कहा है यह, दूसरा है क्रू एंड क्रो का, तीसरा है स्किनर का और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने पावलव का। तो यह जो बालकों में सोचने की योग्यता का सफल जीवन के लिए आवश्यक है यह आपके क्रू एंड क्रो द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूलन है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चेतन रूप में मूल्य ज्ञान तथा कौशलों को बच्चों में औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती है, इसके अंतर्गत ज्ञान अनुभव कौशल तथा अभिवृत्तियां सभी कुछ आते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। फोर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिनका उपयोग मानव व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ इस बात पर हम ध्यान रखेंगे कि आपका स्कूलन क्या होता है। स्कूलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपका जो चेतन रूप में मूल्य ज्ञान कौशल और बच्चों में जो औपचारिक स्थिति भी और रूपरेखा के अंतर्गत जो प्रयत्न किया जाता है वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला भी इसके अंतर्गत सही होगा। ये इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेतन मूल ज्ञान तथा बच्चों को औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देशित नहीं करता है? हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात हमारे लिए यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश नहीं करता। पहला ऑप्शन है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बोधात्मक मनोप्रेरक और भाषा कौशलों के विकास में सहायता देता है, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। तीसरा है फोर्थ है आपके सामने अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो इसके आपके तीनों ही नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं वह आपके जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश करते हैं, जबकि यह कहता है कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, तो यह कथन आपका गलत है, यानी यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देशित नहीं करता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, दूसरा बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, तीसरा बच्चे को दंडित करेंगे, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने बच्चे को दोबारा ऐसा करने के लिए नहीं करने को कहोगे। तो आपके सामने है जो कोई बच्चा अपनी समस्या जो स्वयं हल कर लेता है तब आप उससे उस बच्चे को हम क्या करेंगे, उसको हम पुरस्कार प्रदान करेंगे, यानी उसको प्रोत्साहन देना हमारे लिए जरूरी हो जाता है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने कार्य को यानी किसी समस्या को स्वयं हल कर लेता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने अंतर्दृष्टि सिद्धांत, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, तीसरा
तीसरा है अंकुरण सिद्धांत और फोर्थ है आपका अनुभवजन्य सिद्धांत। तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत छात्रों के वांछित स्वरूप तथा दिशा में परिवर्तन करने के लिए शिक्षकों की सहायता करता है, वह आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो आपका थंडाइक द्वारा दिया गया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यह सिद्धांत आपके बच्चों के वांछित व्यवहार और उनमें जो स्वरूप होता है उसको दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की मदद करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। संदेह व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, जर्शिल्ड का, ड्राइवर का या स्किनर का? यानी जो संदेह होते हैं यह व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था होती है, यह आपका वुडवर्थ द्वारा कहा गया है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसके सामने पहला ऑप्शन है बच्चों के समाजीकरण में आवश्यक सहायक है, दूसरा है बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, यह सबसे आसान शिक्षण है या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक शिक्षक होने के नाते आप शिक्षण सामाजिक शिक्षण है उसको हम इसलिए महत्वपूर्ण मानेंगे क्योंकि बच्चों के समाजीकरण में यह सहायक होता है। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा के छात्रों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों की समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे आपके सामने ईमानदारी का परिचय दे रहे हों हम उन बच्चों को पुरस्कृत करके दूसरे बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दे सकते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है डॉलार्ड और मिलर द्वारा, दूसरा है बंदूरा और वाल्टर्स द्वारा, तीसरा है पियाजे और मिलर, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास के सिद्धांत के संबंध में जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वह आपका डॉलार्ड एवं मिलर द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? तो यह आपसे पहले बार पूछा गया है कि जो सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि लब्धि शब्द को प्रयोग किया गया था या उसको परिभाषित किया गया था? पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा है बिने, तीसरा है स्पीयरमैन और फोर्थ है आपका स्टर्न। तो जो स्टर्न थे उन्होंने सबसे पहले आपकी जो बुद्धि लब्धि है उसको परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास को किस रूप से प्रभावित करता नहीं करता है? पहला ऑप्शन है खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र ZDP का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है। नेक्स्ट है खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से अलग करता है, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। नेक्स्ट है खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। तो आपको इसमें बताना था कि खेल विकास के किस रूप से प्रभावित नहीं करता। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, खेल कार्यों और वस्तुओं के बीच में आपका जो उसको विचार को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था के बाद चरण को, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक समायोजन का सबसे कठिन काल होता है वह लड़का हो या लड़की, और जो पूर्व बाल्यावस्था पूर्व किशोरावस्था जो होती है वह सबके लिए सामाजिक समायोजन के लिए कठिन अवस्था होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों दोनों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 27 है समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है। पहला ऑप्शन है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, दूसरा है केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, तीसरा है आपके सामने ऑप्शन अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, फोर्थ है केवल संज्ञानात्मक शिक्षार्थियों को। तो आपको समावेशी शिक्षा जो होती है वह आपके सामान्य बच्चा हो या फिर आपके अधिगम अक्षम यानी जिनको पढ़ने लिखने में समस्या होती है उन सभी शिक्षार्थियों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असक्तता को कहा जाता है जो सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से उत्पन्न होता है।
पहला ऑप्शन है आपके सामने डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैल्कुलिया, तीसरा है आपके सामने अफेजिया और आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है डिसग्राफिया। तो जो अफेजिया होता है, अफेजिया जो आपकी सामान्य मस्तिष्क में किसी प्रकार की जो क्षति उत्पन्न से होता है वो आपका अफेजिया होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। इसमें बालक जो होते हैं वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, यानी अफेजिया जो बीमारी होती है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की अवस्था जो होती है उसमें, दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार जो विचार और तर्क अनुकूल जो होते हैं वह आपके, यानी जो अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में जो एक बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है वह आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी जब उसकी उम्र 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी यह वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और उन अभ्यर्थियों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट 2020 जुलाई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, पहला ऑप्शन है आपका महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल रोचक पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, फोर्थ है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जिस बच्चे की जैसी क्षमता या अक्षमता है उसके अनुसार उसी के रूप उसी को पढ़ाने के लिए शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यह था फ्रेंड्स सिर्फ आज के लिए, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।